एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके जरूर बताना। और आज है ट्यूसडे, दोपहर का बज रहा है एक, और मैं आज बनाने वाली हूँ राजमा। तो राजमा और चावल बनाऊंगी मैं आपके साथ, नहीं उसकी रेसिपी नहीं शेयर करूंगी, बहुत बार कर चुकी हूँ। तो राजमा मैंने सुबह 5 बजे भिगो के रख दिया था, अच्छे से फूल गया है, इसे बॉयल करने के लिए रख दूंगी। लेकिन साथ में मैं बनाने वाली हूँ बथुए का रायता। तो उसके लिए मैंने बथुआ जो था उसको छोटा छोटा सा ऐसे तोड़ लिया है और फिर इसको अच्छे से धो भी लिया, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है ना, इसलिए बहुत अच्छे से इसको धोना जरूरी होता है। और अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पर ये मैंने पानी लिया है एक बर्तन के अंदर, और इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ बथुआ। और चाहे तो आप प्रेशर कुकर में भी इसको डाल सकते हैं, प्रेशर कुकर में एक सीटी लगा दीजिए बस, और ये बॉयल हो जाएगा। मैं इसको बर्तन में इसमें बॉयल कर रही हूँ पतीले के अंदर, और इसको 10 से 15 मिनट तक बॉयल करूंगी। फिर इसके बाद जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं इसकी गैस को ऑफ कर दूंगी, पानी में से निकाल लूंगी इसको, और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। मैं कई बार गलती क्या कर चुकी हूँ कि जैसे ये मैं इसको बॉयल करती हूँ या पालक वगैरह भी बॉयल करती हूँ, बहुत जल्दी मचाती हूँ मैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया है, 2 बार मेरे से ऐसा हो चुका है कि मैं पालक को लेती हूँ, उसको बॉईल किया और ठंडा होने का वेट नहीं करती, तुरंत उसको ग्राइंड कर देती हूँ। तो एक बार मैंने ऐसे किया था, तो उसमें क्योंकि एकदम से इतनी भाप बनती है, इतनी गर्मी, तो वो एकदम से उसका जो ढक्कन था ना, यूं मेरे हाथ से छूट गया और इधर उधर सब जगह पालक का जो सब छींटे इधर उधर गिर गई थी। ऐसे मैंने एक दिन इससे भी किया था, इसको मैंने बनाया था बथुए का साग, और मैंने फटाफट बथुए का रायते के लिए मैंने जो पेस्ट बनाने की कोशिश की थी, तो उसमें भी ऐसे ही मैंने गरम गरम डाला, और जैसे ही ग्राइंड करने की कोशिश की ना, एकदम से सब जगह वो फैल गया। ढक्कन भी लगाओ लेकिन उसमें इतना प्रेशर बन जाता है ना अंदर से गर्मी के कारण, तो फिर वो रुकता ही नहीं है हाथ से उसमें, और मेरा हाथ जलने से बच गया था, इतना गरम गरम चारों तरफ फैल गया था। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा ठंडा करके ही आप इसको ग्राइंड करें, ऐसे गर्म नहीं, ये डेंजरस है। ये चावल मैंने धोकर अच्छे से पानी में भिगो के रख दिए हैं अभी, और यहाँ पर राजमा मैंने चढ़ा दिया है, और 15 मिनट हो गए हैं, बथुआ भी अच्छे से बॉईल हो गया। इसको मैं बंद करूंगी और दूसरे बर्तन में निकाल दूंगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, और फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँ। तो यहाँ मैं इस बर्तन में ये बथुआ है एक एक करके निकाल रही हूँ, और इसका जो पानी है ये फेंकूंगी नहीं, इसको मैं इसमें थोड़ा सा और पानी मिला के प्लांट्स में डाल देती हूँ। जैसे हम प्लांट्स में छिलके वगैरह का भी पानी डालते हैं ना, सब्जियों के छिलकों का पानी होता है वो इकट्ठा करते हैं और डाल देते हैं, तो ऐसे ही मैं ये वाला जो पानी निकला हुआ है इसको फेंकने से अच्छा है कि इसको ठंडा जब हो जाएगा और फिर इसके अंदर थोड़ा सा और पानी मिला के थोड़ा थोड़ा करके सभी प्लांट्स में डाल दूंगी। मुझे नहीं पता, ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ये मेरी सोच है, मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूँ या नहीं। और यहाँ पर ये वाला जो आप देख सकते हैं कितना सारा पानी निकला है ना, फेंकने का मन नहीं करता ऐसे, मन करता है इसे कहीं ना कहीं यूज़ कर लो, किसी काम में ले आओ। तो जो ये पत्तियाँ हैं बथुए की ठंडी हो गई हैं उबली हुई, और अब मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। ये जो बथुए का रायता है आप लोगों ने भी बनाया होगा, और जिन्होंने कभी नहीं बनाया है ना वो ज़रूर बना के देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। और एक सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, आप देख सकते हैं, देखिए कितने अच्छे से ग्राइंड हो गया है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे दही ठंडी होती है ना तो बथुआ गर्म होता है, तो दही की तासीर को बदलने के लिए आप उसमें अगर बथुआ डाल देते हैं ना तो फिर वो उसकी जो तासीर है वो बदल जाती है। तो यहाँ मैंने ये जो दही ली है और इसके अंदर मैंने ये जो बथुआ ग्राइंड किया है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दूँगी क्योंकि जो बथुआ जार में चिपक गया है उसको भी हटाना है, तो बस वो पानी डाल के इसमें मैंने वापस दही के अंदर डाल दिया, और अब इसको फेंट लूँगी। मेरे पास ये जो फेंटने वाला है, कई बार इस पर क्वेश्चन आता है कि आपने ये कहाँ से लिया, ऑनलाइन लिया है क्या? मैंने ये ऑनलाइन नहीं लिया है, जब मैं पांडव नगर में दिल्ली में रहती थी ना तो वहाँ पर ही मेरे घर के पास एक बर्तन वाला बहुत बड़ा सा स्टोर था, और मैंने ये वहाँ से लिया था। वहाँ रहने के ये बहुत अच्छे फ़ायदे थे कि जितनी भी सभी मार्केट बिल्कुल घर के पास ही था, जो भी सारा सामान चाहिए होता था ना वहाँ बहुत ही इजीली मिल जाता था, बस अपने घर से निकलो और अगली गली में पूरा मार्केट था, तो वहाँ से मैं कुछ भी ले लिया करती थी। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, इससे बहुत ही अच्छे से फेंटा जाता है। और अब मैं उसमें तड़का लगाऊंगी, फेंट तो लिया ही है मैंने दही को, तो यहाँ मैंने ये जो तड़का पैन है इसके अंदर मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल, घी नहीं डालना है, घी क्योंकि दही के अंदर डालोगे ना तो वो जम जाएगा। तो तेल गरम हो गया था, उसमें डाली मैंने थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा, देख सकते हैं आप चटकने लगा है वो सब, और फिर इसमें डाला है हींग। अब थोड़ा अच्छे से इसको भून लूँगी,
तो ज़ीरा अच्छे से चटक गया है और गैस मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसके अंदर मैंने डाली है लाल मिर्च पाउडर और ऊपर से अब इसमें यह तड़का दे दिया है। अब तुरंत इसे ढक के रख दूँगी। थोड़ी देर के बाद फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लग रहा है रायता। नमक मैंने इसमें डाल दिया स्वाद के अनुसार। ये खाने में बहुत ही स्वाद होता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो। राजमा बन गया है और रायता भी तैयार है और चावल भी रेडी हो गए हैं। अब तवीशे के आने का वेट हो रहा है, 15-20 मिनट में आ जाएगी फिर खाएंगे। जिस दिन राजमा बनता है ना उस दिन भूख दुगनी हो जाती है, बहुत भूख लगती है, मन करता है जल्दी से खाना खा लो। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, पूछे मत। और ये बताओ इस बार जैसे न्यू ईयर आ रहा है और क्रिसमस भी आ रहा है तो आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? आप कहीं घूमने जाओगे या फिर अपने घर पर ही मनाओगे, पार्टी करोगे, गेट टुगेदर करोगे, क्या करने वाले हो ना कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपके प्लान है न्यू ईयर के या क्रिसमस के, प्लीज 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 रिप्लाई करना। आजकल रिप्लाई नहीं करते हो, मेरा वीडियो आप देख लेते हो है ना, लाइक भी कर देते हो, लेकिन कमेंट करके नहीं बताते हो, इतना आलस आता है आपको। विंटर्स है माना, विंटर्स तो मेरे लिए भी है लेकिन मैं तो वीडियो बना रही हूँ ना डेली डेली, तो आप भी इसीलिए कमेंट भी जरूर करना। आपको मेरे प्यार का वास्ता, अगर आप प्यार करते हो ना मेरे को तो आज इस बार कमेंट करके दिखाई दो, ठीक है ना, कि आप मुझे कितना प्यार करते हो। तो अभी तो तवीशी का वेट हो रहा, बहुत भूख लग रही है और मैंने किचन के लिए ना सामान खरीदा, बहुत खुशी होती है। किचन के लिए या फिर घर के लिए कोई भी अगर सामान खरीदे ना तो बहुत खुशी होती है, एक एक्साइटमेंट सी होती है। आपको दिखाऊंगी वो अभी थोड़ी देर में, पहले तवीशी आ जाए, पेट पूजा कर लेना, फिर आराम से बैठ के आपसे बातें करूंगी। आज बेडशीट धोना दिवस था, सारी बेडशीट धोई है, तीनों बेड की सूख गई हैं। अब मेरी बालकनी भी इतनी बड़ी नहीं है ना, तीन बेडशीट धोती हूँ ना जिस दिन, तो ऐसे फोल्ड करके डालती हूँ। ठंड में पानी में जाने का मन नहीं करता सच्ची, कपड़े मशीन में धोते लेकिन फिर भी बहुत आलस आता है, पानी देखिए घबराहट होती है। अभी ये वाली बेडशीट तो गीली है, दो तो सूख गई, ये रह गई है, इसको भी एक बार डालो। एक्साइटेड हो ना कि क्या मैं लेके आई हूँ किचन के लिए देखने के लिए? मैं भी एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले तो जो किचन से रिलेटेड नहीं है वो दिखाती हूँ। ये रख देख रहे हैं आप, ये वाला एक दिखाओ, ये वाला ये लिया है मैंने और ये 300 का लिया है। अब विंटर्स में ना नंगे पाओ अगर कहीं भी चलो तो बहुत ठंड लगती है, तो मैंने हर जगह बेड के आसपास और ये यहाँ पर भी मैंने रख दिया है ताकि नंगे पैर अगर चलते हैं ना फ्लोर पर तो ठंड ना लगे। ऊपर से रेड, मेरा ये जो लिविंग रूम है इसकी थीम है तो उसके हिसाब से अच्छा 300 का है ये मैंने, और स्टोर 99 से लिया है। चलिए मुझे लग रहा है कि कैमरा टेढ़ा है, एक मिनट, क्या क्या मैंने लिया है, मैंने इन फ्लावर्स के पीछे छुपाया हुआ है, आपको दिखाई नहीं दिया हुआ, एक एक करके दिखाऊंगी ना सारी एक्साइटमेंट, फिर नहीं तो आपकी जो है जितने भी आप ईगरली वेट कर रहे होंगे एकदम से सब कुछ दिखा दूंगी तो मजा कैसे आएगा, एक एक करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये, अब ये क्या है, ये है एक कांच वाला बाउल जिसके अंदर हम बिस्किट्स कैंडीज वगैरह है ना दे सकते हैं अपने गेस्ट आए तो उनको। ये 249 का है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, मैं काफी दिनों से लेने की सोच रही थी और आप इस बार मुझे दिखा तो मैंने ले लिया। तो ये उसका ऐसे करके कवर है और ये नीचे ऐसे करके एक बाउल है कांच वाला और ये ऐसे करके ऊपर से बंद हो जाता है ऐसा। कैसा है 249 का, ये भी स्टोर 99 से लिया मैंने, मुझे बहुत पसंद आ रहा था, काफी दिनों से सोच रही थी वैसे, मेरा मन कर रहा था कि मैं लूंगी ये, और मुझे जब दिखा ना इसमें छोटे भी थे लेकिन मुझे ऐसा बड़ा ही चाहिए था ताकि किसी को गेस्ट आए तो उस किसी को अगर कोई कैंडीज वगैरह बच्चों को देनी होती है, बिस्किट्स वगैरह भी अगर गेस्ट को दें तो इसमें अच्छी क्वांटिटी में आ जाए, थोड़े से काम भी चलता है ना, किसी को थोड़ा सा दो तो कोई सोचेगा कैसे है, इतने से क्या होता है, ज्यादा सी तो क्वांटिटी होनी चाहिए। और एक मैंने लिया है
ये कोस्टर्स मेरे पास पहले भी थे, लेकिन वो शिखा का बेटा मेरे घर आता है ना, तो उसने खेल खेल के तोड़ डाले, तो फिर मैं इस बार ये लेकर आई हूँ। ये है लकड़ी के, कुछ ऐसे हैं, और ये अलग अलग डिजाइन में है, सब ऐसे सब अलग अलग है। ये 159 का था, मतलब इसमें बटरफ्लाई बनी हुई है और किसी में लीफ बना हुआ है ऐसे। मुझे हट वाला जो इनका स्टाइल है ना, ये बहुत पसंद आया था। एक चेयर वाला भी होता है, आपने देखा होगा, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा। इसको मैं अपनी वो साइड टेबल है ना, उस पर रख दूंगी चाय वगैरह जब पीते हैं तो, उसके लिए है ना, क्यूट। और एक मैंने ये ली है, ये स्प्रे के लिए। ये स्प्रे क्या, प्लांट्स वगैरह जब मैं वॉश करती हूँ ना, तो मैं इससे कर लिया करूंगी पानी डाल के। छोटा सा मुझे चाहिए था ये। और जो सबसे प्यारी चीज है वो है ये मैंने इस बार वुडन ट्रे ली है, मेरे पास नहीं थी कोई भी। एक और है, वो छोटी सी है, यहाँ पर जो रखी हुई है मैंने, ये डाइनिंग टेबल पे रखी है मैंने छोटी सी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सामान नहीं आता था, एक कप वगैरह ही आता था। और मुझे ये पसंद आई, ये 600 की है, 599 की। और इसमें यहाँ पर ये जो डिजाइन है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, और एकदम प्लेन है। मुझे ऐसी प्लेन ही चाहिए थी, क्योंकि जो इस पर डिजाइन वगैरह बना होता है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है, तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी। और ये ना, ये मुझे लकड़ी नहीं लग रही है, शायद ऐसा लग रहा है जैसे कि बांस है, कुछ इसी टाइप का है ये। और मुझे 599 में, थोड़ा सा शायद महंगा होगा, लेकिन लकड़ी का सामान है ना तो ऐसा ही महंगा आता है। लेकिन पर ये है कि ये जितनी भी चीजें आई ना, मुझे सबकी सब मैं लेने की सोच रही थी, और मुझे ये उस स्टोर में मिल गई, और मैंने खरीद भी ली, और अब मैं बहुत खुश हूँ। बस ये था छोटा सा सामान, छोटी सी शॉपिंग। कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोज को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए, वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। मिलूंगे आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।